देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। इन दिनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। 15 दिसंबर को छात्रों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बंद एएमयू कैंपस अब दोबारा खुलने की तैयारी में है, लेकिन इसी बीच यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अपनी जान का खतरा बताते हुए प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। इसमें इन्होंने अपनी और परिवार की सुरक्षा की बात कही है। अलीगढ़ एसएसपी ने कहा कि एएमयू के वाइस चांसलर को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि 15 दिसंबर से ही एएमयू के माहौल को देखते हुए वाइस चांसलर ने कैंपस में छुट्टी घोषित कर दी थी। एएमयू प्रशासन नहीं चाहता था कि माहौल और ज्यादा खराब हो, लेकिन हाल ही में जब एएमयू प्रशासन ने यह तय किया कि अब सब कुछ ठीक है, तो सोशल मीडिया पर वाइस चांसलर के खिलाफ कुछ लोगों ने पोस्ट डालना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वाइस चांसलर ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। बहरहाल वीसी के पत्र की बात जैसे ही राजनीतिक गलियारों में पहुंची, पार्टियों ने इस पर अपनी अपनी राजनीतिक करनी शुरू कर दी। कांग्रेस के नेता द्विजेंद्र त्रिपाठी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सब अलग तरह के लोगों के प्रयास हैं, जो शिक्षण संस्थानों का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और इन्हें सरकार सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। वैसे भी देश का माहौल जो है बहुत ही तनावपूर्ण है, और खासतौर से जो शैक्षणिक संस्थान हैं और कुछ मुद्दों को लेकर के जो छात्रों का विरोध है, चाहे वो CAA का हो, NRC का मामला हो, या उनके अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए चीज़ें जो हैं, तो अगर इसमें सुरक्षा कोई व्यक्ति मांग करता है, हमें लगता है कि ये कोई गलत बात नहीं है। हर आदमी को अपने आप को सुरक्षित रखने का उसका अपना अधिकार है भाई, वो उसको चाहिए उतना अधिकार उसको प्राप्त है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी व्यक्ति अगर इस तरह का प्रोटेक्शन मांगता है तो उसको करे। वहीं बीजेपी की तरफ से हीरो वाजपेयी ने बताया कि योगी सरकार एएमयू के वाइस चांसलर की गारंटी लेती है उन्हें कुछ नहीं होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीसी ने पत्र जरूर लिखा, पर उत्तर प्रदेश पूरी सुरक्षा देगा। उत्तर प्रदेश में किसी भी हालत में बीसी को कोई खतरा नहीं होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन अपना अंदर एक स्वायत्त शासी संस्था है, वो अपना रखेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी गारंटी लेती कि बीसी को कोई खतरा नहीं होगा। जो एंटी सोशल तमाम एक्टिविस्ट पकड़े गए हैं, जिनसे उन्हें खतरा बताया, कई लोग चिन्हित किए गए हैं, और ऐसे लोगों पर कड़ाई की जाएगी। देश के विरोध करने वालों को, देशद्रोही तत्वों को, और जो इस तरह की गलत नारेबाजी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR भी हुई। ऐसे तत्वों को चिन्हित किया जाएगा, कोई बेकसूर व्यक्ति नहीं। पर छात्रों को जो लोग गुमराह कर रहे हैं CAA को लेकर, मुझे लगता है बीसी भी अपना योगदान करेंगे और छात्रों को समझाएंगे कि ऐसा इस कानून में कुछ नहीं है जो किसी की नागरिकता हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों की ले ले। ये सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। जो लोग गुमराह किए जा रहे हैं, उनको मेरा आपके चैनल के माध्यम से बीसी से और उन छात्रों से भी अपील है कि वो जाने कि वो किस वजह से आंदोलन कर रहे हैं और इस तरह की नारेबाजी से अपने को बचाएं। एएमयू के वाइस चांसलर के पत्र के बाद जिले की पुलिस ने बताया कि उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। ये देखिए, उसमें बीसी साहब का एक लेटर आया, उसमें ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पे और जो है आसपास के अभी कुछ क्षेत्र में उनके और रजिस्ट्रार के खिलाफ में पोस्टर्स और इस तरह की भ्रामक सूचनाएं जो है कुछ लड़कों के द्वारा डाली गई थी, उसी को लेकर के एक तो मुकदमे को लेकर के उन्होंने बताया है उसमें कि कार्रवाई करे पुलिस, और उसके अलावा जो है उन्होंने सुरक्षा भी जो है कैंपस के अंदर और जो खुद को लेकर के सुरक्षा जो है उसका भी एक असेसमेंट हम लोग कर लें, और उसी पत्र के संदर्भ में जो है SP क्राइम को हमने लेटर भेजा है और SP क्राइम को दिया है कि एक सिक्योरिटी असेसमेंट कर ले, अगर किसी भी तरह का कोई थ्रेट अगर परसेप्शन अगर है तो उसके अंदर जो है हम लोग सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। और चूँकि 13 तारीख को यूनिवर्सिटी भी खुलनी है, तो उसको लेकर के भी जो अंदर नॉर्मलसी बनाने के लिए जो असेसमेंट है हमारा, वो भी हमको करना पड़ेगा। जैसे काफ़ी कई जगह से दीवार टूटी हुई है, तो वो भी एक असेसमेंट करके हम लोग जो है एक्सेस कंट्रोल किस तरह से होगा कि बाहर के एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर कोई हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर ना आ पाए और केवल छात्र ही जो है यूनिवर्सिटी के अंदर रहें, तो उसको लेकर के क्या हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, उसको लेकर के आज शाम को मीटिंग भी होनी है। तो उसी के संदर्भ में वो पत्र आया था, उसी पत्र के संदर्भ में SP क्राइम को जो है वो दे दिया गया है असेसमेंट करने के लिए, और जो भी उसमें रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से नीलांशु शुक्ला और कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, UP तक।